जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सैद जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रे एग्ज़ाम 2024 का पेपर समाप्त हुआ। सभी लोगों ने अपना कटाव का आकलन दिया है। और हमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि हम काफ़ी सर्वे किए, काफ़ी लोगों से मिले, यहाँ से लेके इलाहाबाद तक लगभग 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के आसपास बच्चों से हमने सर्वे किया, पूछा। और पूछने के बाद जो हमने आकलन किया कि कटाव कितनी जा सकती है, तो आज हम बच्चों आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस रे एग्ज़ाम का जो कटाव दे रहे हैं, आज तक गलत नहीं हुआ। हाँ, एक दो क्वेश्चन का अंतर हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो हमने जो बच्चों से सर्वे किया, जो बच्चों से बात की, हर बच्चों ने आंकड़ा यही बताया कि 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास हमारे पहुंच रहे हैं। हम प्रश्न की बात करते हैं, नंबर की बात नहीं, मैंने 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास हमारा सही निकल रहा। एक दो क्वेश्चन आगे भी जा सकता, एक दो क्वेश्चन पीछे भी जा सकता। तो ये आंकड़ा लगभग हर बच्चों ने दिया, कुछ लोग 90 के नीचे भी बताए हैं। तो सबका सर्वे करने के बाद जो हमने अपना कटाव निकाला है आज बच्चों, वो आपके सामने है। तो कटाव क्या जा सकता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अलग अलग कैटेगरी का कटाव हमने बताया है, जबकि हमें नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी ने अलग अलग कैटेगरी का बताया, सब लोगों ने एक जनरली निकाल दिया है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी जो भर्ती होती है, तो सबकी मेरिट अलग अलग बनती है, ये नहीं कि सामूहिक मेरिट बनती है। तो हमने जो कटाव आज आप लोगों के सामने भेज रहे हैं, हर वर्ग का अलग अलग बनाया है। जैसे अगर हम बच्चों जनरल का निकाल लेते हैं, तो जनरल में अगर हम पुरुष वर्ग की बात करते हैं, तो पुरुष वर्ग की जो कटाव होगी बच्चों, 95 क्वेश्चन से लेकर के 105 क्वेश्चन जाएगा, इससे कि बीच में रहेगा। इससे एक दो क्वेश्चन की हम बात नहीं करते हैं, बाकी इसी के इर्द गिर्द आपके कटाव होंगे। अगर हम जनरल में महिला वर्ग की बात करते हैं बच्चों, तो 85 से 90 प्रश्न जिनके सही हैं, वो अपना फिजिकल की और दौड़ की तैयारी करें, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। हाँ, एक दो क्वेश्चन की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन औसत यही जाएगा। अगर हम बच्चों आ जाते हैं अब OBC में, अगर हम OBC की बात करते हैं, तो पुरुष वर्ग का जो आकलन हो रहा है कि 90 से 100 क्वेश्चन जिनके सही हैं, वो पुरुष वर्ग में अपने फिजिकल की तैयारी करें। और OBC में महिला वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो करेक्ट हम आपको बता देते हैं 85 या 86 क्वेश्चन जिनके सही हैं, वो 100% उसको फिजिकल और दौड़ के लिए तैयार रहे, चूके ना अपना दौड़ के लिए तैयारी शुरू कर दे। अगर हम बच्चों SC ST की बात करते हैं, तो पुरुष वर्ग में 80 से 85 जाने की संभावना है। अगर हम महिला वर्ग की अगर हम बात करते हैं SC ST में बच्चों, तो 75 से 80 प्रश्न जिनके सही हैं, वो अपना फिजिकल के लिए दौड़ के लिए अपना सुबह शुरू कर दे। अन्यथा अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये मान के चलिए जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 3 दिन के अंदर दौड़ चालू हो जाएगी, तो आप दौड़ निकाल नहीं पाओगे। इसलिए आप हमारे कटाव को देखें और देख करके तुरंत दौड़ शुरू कर दीजिए। हाँ, एक दो क्वेश्चन का मार्जिन हम गारंटी नहीं लेते कि एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कटाव आप यही होगा, रिजल्ट आने के बाद आपके सामने होगा। तो बच्चों, हम सभी के साथ संभावना व्यक्त करते हैं कि हर बच्चा इस कैटेगरी में आए और सबको मौका मिले फिजिकल में दौड़ने के लिए। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।